तो यूक्रेन के वार पर रूस का पलटवार भी हुआ है। रूस ने फिर से लॉन्च की है कैलिबर मिसाइल। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट, सबमरीन से कैलिबर मिसाइल लॉन्च की गई है। दो दिन पहले भी सबमरीन मैगडन से टेस्ट किया गया था। परमाणु हमले में सक्षम है रूस की कैलिबर मिसाइल, जिसका वीडियो भी सामने आया। जिस तरीके की तस्वीरें लगातार अभी हम आपको दिखा रहे थे, दर्शकों को दिखा रहे थे, वार उस पर पलटवार और लगातार इसी तरीके की तस्वीरें। पहले भी आप डिस्कस कर रहे थे, मैं कहना चाहूंगा रशिया क्यों अपने पुरानी मिसाइल्स को रिसाइकल कर रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल्स को, क्योंकि उसको सप्लाई करने वाले बहुत कम है। वेयरएज आप यूक्रेन को देखिए, उसको पूरे तकरीबन यूरोप के नेशंस सप्लाई कर रहे हैं हथियार। तो मोराल तो है ही यूक्रेन फोर्सेस का, उसको आर्मामेंट की भी कोई कमी नहीं है। हर तरफ से हथियार और ड्रोन्स, टैंक्स, आर्टिलरी के पीसेस आ रहे हैं। वेयरएज रशिया रिलाई कर रहा है अपने रिसोर्सेज के ऊपर, और थोड़े बहुत गरीब मुल्क दोस्त हैं उसके, नॉर्थ कोरिया, ईरान, जो कुछ खास दे नहीं सकते उसको। तो इसीलिए उसको अपनी दूसरी न्यूक्लियर मिसाइल से वॉरेंट हटा के अटैक करना पड़ रहा है, तो यूटिलाइज करना पड़ रहा है। लेकिन जीजे सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हथियार तो बहुत सारे मिल रहे हैं यूक्रेन को, वेस्टर्न कंट्रीज, लिथुआनिया से लेकर अमेरिका, सबने हथियार दिए। लेकिन अब सवाल है ऑपरेशन विंटर का, जिसको लेकर पुतिन आगे बढ़ रहे हैं और मोर्चे की लगातार जो है मजबूती भी बढ़ा रहे हैं। क्या ऑपरेशन विंटर में इतनी मदद यूक्रेन को काम आएगी? क्या हालत होगी यूक्रेन की? देखिए, सबसे बड़ा जो मसला सामने आ रहा है वो ये है कि विंटर के अंदर वो कैसे अपने आप को वार्म, गर्म रख सकते हैं। अब आपने अभी बताया था कि साउथ कोरिया, फ्रांस और दूसरे देश जितने भी है उसको जनरेटर्स जो हैं वो सप्लाई कर रहे हैं। और साथ में ये कहूँगा कि ये जो यूक्रेन के लोग हैं, जहाँ जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये विंटर्स को कैसे उसमें कोप अप करना है, कैसे इसका सामना करना है, पूरी तरह पहले से ही अपने आप को तैयार रखते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो मैं कॉन्फिडेंस की बात पहले भी कर रहा था, वो ये है कि यूक्रेन के पीछे यूरोप के जितने भी यूनियन के 30 देश हैं वो खड़े हुए हैं। और जो लेकिन अभी भी यूक्रेन एक ऐसा कलेक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं खड़ा कर पाया है रूस के खिलाफ, और यही वजह है कि रूस अभी भी अपनी रणनीति बदलते हुए रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहा है।